जी मेरा नाम पवन है। मेरा नाम नागर जी। हमारे रेडी का नाम सीवीआर रेडी भैया। मेरे फादर का नाम सावरमल शर्मा है। मेरा नाम दिनेश शर्मा है। हमारे रेडी का नाम है राम रेडी। हमारा नाम है सुरेंद्र शर्मा। हमारा नाम मनीष है। मैं इनके यहाँ कुकिंग करता हूँ। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ? 6 साल से। हमें रेडी 40 साल से चला रहे हैं। मेरे फादर को यहाँ पे कम से कम 40 साल हो गए। मैं उनके साथ हूँ 18 साल से। और हमने 1969 से स्टार्ट किया। इस रेडी की क्या क्या स्पेशलिटी है, मतलब बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं यहाँ? मेरे से सब चीज आती है। मेरे यहाँ से तो पराठा, सैंडविच, चाय, सब कुछ ज्यादा ही निकलता है। जैसे गोले वगैरह है, हमारे ओनियन कचौरी फेमस है, हमारे पास मैगी है, 50 प्रकार की मैगियाँ हैं जो हमारी रेडी पे कहीं नहीं मिलती। जो हमारे पास मैगी है वो कहीं नहीं मिलती। समोसा चाट भी बिकती है, रबड़ी केला भी, जामुन रबड़ी भी। अब जैसे कैंपस पे काफ़ी सारी रेडीज हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे फिर भी इधर ज़्यादा आना प्रेफर करते हैं, तो ऐसा आप क्या एक्स्ट्रा करते हैं जो बच्चे आपके पास ही आते हैं? मैं प्रेम बोलता हूँ सबको, प्रेम। कुछ चीज़ों की सीक्रेट रेसिपी होती है, जैसे हमारी चटनियों की है, हमारी कचौरी और हमारे समोसों के अंदर की रेसिपी है, वो सीक्रेट रेसिपी है। हम वो कभी। और आप दुबई भी गए थे तो आप उसके बारे में? दुबई भी गए थे सर। बिरसा का ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है वो हर 3 साल में एक बार होता है, महीने वाला का होता है। तो उन्होंने पापा को बुलाना स्टार्ट किया। पहला हुआ था हैदराबाद कैंपस में 2014 में, तब भी बुलाया था। 2017 में दुबई कैंपस में हुआ, तब भी उन्होंने बुलाया था। 2020 में गोवा भी हुआ, तब भी बुलाया था। कोविड के टाइम में कैसे मैनेज किया था आपने? मैंने जे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैनेजमेंट ने और उससे भी ज़्यादा नए पुराने स्टूडेंट जो भी हैं उन्होंने पूरी मदद की थी। कोरोना में जी हमारे तो हालत ख़राब हो गई थी, घर से बाहर तो हमको निकलने नहीं दिया। और बिट्स के बच्चों ने हमारे बहुत हेल्प किए जी। हमको 18 महीने राशन भी मिला है बच्चों से। और मेरे पोतों की फीस भी दी है। और बिट्स के स्टाफ ने भी हमारी हेल्प की है जी। लॉकडाउन में हमारी दिक्कतें बहुत आई थी, बहुत हमारे बच्चों की फीस में दिक्कतें आई थी। तो इन्होंने स्कूल के मेंबर्स के जैसे टीचरों के नंबर ले लिए, ऑनलाइन स्कूल की फीस जमा करवा दी। काफ़ी हेल्प की बच्चों ने हमारी, हमेशा करते हैं। तो क्या करा था उनने, हेल्प कैसे? आप इतने रात तक क्यों रहते हैं, मतलब अपने आप को तकलीफ देते हैं, रात तक क्यों बैठते हैं? बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि वो पढ़ सके अच्छे से। हमें यहाँ मिला है तो थोड़ा उन्हीं की सुविधा के लिए तो मिला है, उन्हीं के लिए हम सुविधा करें। आप कुछ बता सकते हो कि बच्चे आपकी कैसे और हेल्प कर सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बिट्स का वो आपसे आपको और कैसे हेल्प कर सकता है? हेल्प के लिए हमें तो यहाँ बच्चों को बैठने की सुविधा थोड़ी कम है, यहाँ की सफाई, बैठने की सुविधा, जैसे नीचे कच्ची मिट्टी उठी रहती है ना, तो बच्चों को दिक्कत होती है बारिश वगैरह में। मुझे जैसे अंदर गर्मी लगती है, टेम्परेचर इतना हो जाता है उसके लिए। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्टूडेंट आते हैं, बारिश हो रही है तब भी उनको दिक्कत होती है, ज़्यादा गर्मी है, धूप ज़्यादा है तब भी दिक्कत होती है, तो कुछ छाया का इंतजाम हो जाए। आपको कुछ एंक या लूटर्स से कभी दिक्कत हुई है, कि एंक लूटर्स के टाइम पे इतनी बिजनेस नहीं होती? नहीं, क्योंकि हमारे कस्टमर हमारे पास ही आते हैं, एंक लूटर्स का हमें कोई इतना नहीं। और मीरा रेडी तो बहुत खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ गर्ल्स आती हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता उससे आपका बिजनेस कम होता है कि सिर्फ गर्ल्स आती हैं? बाहर तो हम कर नहीं सकते, मैंने यही बता, बाहर करेंगे तो और अच्छा करेंगे हम तो यहाँ से। अच्छा, आपको ऐसा हो जाए कि दोनों साथ रहे, हम भी चाहते हैं दोनों गर्ल्स बॉयज यहाँ दोनों साथ आए, हम भी चाहते हैं। तो आप चाहते हो कि मीरा के बाहर भी आपकी रेडियो हो? हाँ, बाहर हो एक और रेडियो। और नागर जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कुछ बाकी आगे वाले आने वाले बच्चों के लिए कुछ, या जो बच्चे चलेगा यहाँ से पढ़ के उनके लिए कुछ आए कहीं? अच्छा, मैं तो यही चाहता हूँ कि जहाँ भी रहो सुखी रहो, खुश रहो। सभी अच्छे इंसान हैं, और ज़्यादा अच्छे बने, और अपने देश के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जैसे कि कोई गरीब बच्चा है उसकी पढ़ाई के लिए, या किसी के पास रोज़गार नहीं है उसके लिए,
और सबसे अहम चीज, जन्म देने वाले माँ बाप और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखें। भविष्य मेरा यहाँ पे बढ़िया है जीबिट्स में, क्यों शिक्षित जगह में हम बैठे हैं, बच्चों से हमको कुछ न कुछ समझ में मिलता है ज्ञान। मैं ये कहूँगा बच्चे हमेशा खुश रहे, भगवान बच्चों का बाल भी बाका ना हो, क्योंकि रेडी वाले नहीं कितने सीपी वाले, कितने बाहर, कितने किराना स्टोर, कितने अक्षय, कितने मतलब रेडिया, हर बिट्स की स्टूडेंट से 5 या 6 हज़ार स्टूडेंट्स है, पूरी पिलानी बिट्स के लोगों से कमा के खाती है।